हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। थ्री आइडेंटिकल बार्स ए बी एंड सी आर मेड ऑफ डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइंस अराउंड देम लुक एज फॉलोज। मेक द करेस्पोंडेंस ऑफ दीज बार्स विद देयर मटेरियल बीइंग डायमैग्नेटिक डी, फेरोमैग्नेटिक एफ एंड पैरामैग्नेटिक पी। सो बच्चों, गिवन है हमें तीन आइडेंटिकल बार्स जिनको नेम किया गया है ए बी एंड सी में से। अब ये कोई भी तीन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से बने, सच एज फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों, अगर हम मटेरियल ए को चेक करें तो हम चेक कर सकते हैं कि मटेरियल ए में जो फील्ड लाइन्स एंटर होती हैं तो पूरी की पूरी लाइन्स मटीरियल ए के अंदर से पास हो रही हैं एंड फिर वो एग्जिट हो जाती हैं। सो इट मीन्स ये कौन सा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक, जिसकी परमिएबिलिटी हाईएस्ट होगी। अब बच्चों, अगर हम मटेरियल बी को चेक करें तो मटेरियल बी के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस नहीं जा रही है। इट मीन्स मटेरियल बी मैग्नेटिक लाइंस को रिपल कर रहा है एंड वीकली रिपल कौन सा मटेरियल करता है? दैट इज द डाई मैग्नेटिक। इट मीन्स बी जो है वो डाई मैग्नेटिक है। अब बच्चों, अगर हम सी को चेक करें तो जो मटेरियल सी है वो मैग्नेटिक लाइंस को समवॉट अट्रैक्ट कर रहा है बट अपने में से पास नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स ये कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होगा? दैट इज द पैरा मैग्नेटिक। तो हमारे पास में जो सीक्वेंस बनता है ए एफ बी डी सी पी, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।